हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू पुष्पित सिंह ब्लॉग्स। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप हमारे साथ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो। और चलो यार, आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में। तो यार देखो, आज हम बात करेंगे किडनी पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं डायलिसिस से पहले और डायलिसिस के टाइम। ठीक है, तो यार देखो, आज का जैसे हमारा लाइफस्टाइल है उसके वजह से मतलब किडनी डिसीज़ बहुत नॉर्मल हो गई है। मैं देख रहा हूँ दो दो साल बच्चे की यार, मतलब लिटरली उसका डायलिसिस चल रहा है। तो यार इस डिसीज़ को हम बोलते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज़। इसमें मतलब यानी तो आपके किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं, यानी तो किडनी फेल हो गई होती है। तो इसमें क्या होता है यार, आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर यानी तो आपको बोलेगा कि मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करेगा पहले, तो अगर आप मेडिसिंस से ठीक हो सकते हो तो भाई वेल एंड गुड है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए बोल रहा है और आप नहीं करवा रहे हो तो भाई मतलब आप सोचो कि मेडिसिन से मैं चलूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, तो यार ऐसा चीज़ मत करो। क्योंकि यार मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा। डॉक्टर ने हमें मेडिसिन बोला था, हमने डायलिसिस के लिए बोला था लेकिन हम नहीं करवा रहे थे क्योंकि यार होता है यार, देखो अगर मतलब सिंपल सी बात है यार, हर कोई हिचकिचाता है कि भाई डायलिसिस ना करवाएं ना करवाएं क्योंकि लाइफ टाइम के लिए होगा डायलिसिस ये। तो यार मतलब हर कोई हिचकिचाता है कि भाई नहीं यार नहीं करवाना डायलिसिस। तो यार मेरी मम्मी का डायलिसिस चल रहा है तो वो भी मतलब उनके भी अवॉइड ही कर रहे थे हम लोग कि डायलिसिस ना करवाएं। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुई, मम्मी का कैरेटीन लेवल बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, जिससे उनको पूरा डिजीनेस हो गया, अनकॉन्शियस हो गई, उनको कुछ भी नहीं था भाई लिटरली, मतलब बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा भर गया, स्वेलिंग हो गई पूरी बॉडी, मतलब आँख पूरी फेस स्वेल हो गया, हाथ पैर सब कुछ स्वेल हो गया। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब हमें इश्यूज़ फेस करने पड़े, उसके वजह से ICU में कम से कम वो 7 से 8 दिन ICU में रही। उनको बिल्कुल भी होश नहीं था, उनको कुछ भी नहीं मालूम था उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर उनके बैक टू बैक 4 डायलिसिस चले बैक टू बैक। ठीक है, ये क्योंकि सारी मतलब मैं बोलूँ तो हम अवॉइड कर रहे थे डायलिसिस, इसलिए हुआ। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी किसी फैमिली मेम्बर या आपके किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स के काम आ जाए। तो यार सबसे पहले तो देखो मेन प्रॉब्लम क्या आती है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है कि इसमें तो आप पहले अपने डॉक्टर से बात करो, अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है डायलिसिस के लिए तो आप उसके लिए देरी मत करो। ठीक है, और देखो सबसे पहले तो आप टेस्ट करवा लो कुछ, HIV और KFT और CBC और थायराइड और ये सब सारे मतलब टेस्ट करवा लो आप। ठीक है, फिर इससे क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा, HIV से तो पता चल जाएगा कि डायलिसिस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मतलब क्या कोई इशू है, तो वो पहले रिजॉल्व करेंगे डॉक्टर, उसके बाद डायलिसिस शुरू करें। तो डायलिसिस शुरू करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लाइन डलती है, नहीं तो वो पहले पैर में लाइन डालेंगे, नहीं तो गर्दन के इस साइड या नहीं तो इस साइड लाइन डालेंगे जिससे आपका डायलिसिस शुरू हो सके। ठीक है, तो आप देखो सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत महंगा पड़ता है। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वो कम से कम बोलेंगे 14 से 15 हज़ार सर लाइन डालने के लिए, लेकिन भाई मैं सच बता रहा हूँ मत करवाना। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, ठीक है, मैं आपको एड्रेस दूंगा, आपको 5 से 6 हज़ार में आपका पूरा हो जाएगा, मतलब वो लाइन डाल के एकदम प्रॉपर अच्छे से डाल के वो देंगे, क्योंकि मैंने अभी मम्मी का भी वहीं से रिसेंटली में डलवाया लाइन। और उसी के साथ ही साथ में आप देर मत करना, उसी के साथ ही साथ में आप लेफ्ट हैंड में फिस्टुला ज़रूर बनवा लेना ताकि वो लाइफ टाइम डायलिसिस के लिए आपका काम आए। तो भाई स्टार्टिंग में डायलिसिस के डॉक्टर्स भी बोलते हैं मम्मी को प्रॉब्लम भी फेस हो रही है, यही तो देखो शुगर पेशेंट्स का शुगर एकदम ही हाई चले जाएगा, ठीक है, 500-600 ऐसे चले जाएगा, यही तो एकदम ही लो हो जाएगा। ठीक है, हाई चले जाए तो यार थोड़ा मतलब चलता है, मतलब दिक्कत उसके भी है हाई जा रहा है लेकिन चलता है, लेकिन लो चला जाएगा तो भाई बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और BP का भी सेम यही है कि बहुत ज़्यादा यहीं तो हाई चले जाएगा या तो बहुत ज़्यादा लो चला जाएगा, लो चले जाएगा तो उसमें दिक्कत यह है कि आपका डायलिसिस नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यार वैसे भी जब डायलिसिस के टाइम आपके बॉडी में से पानी निकल रहा होता है तो उसमें BP तो डाउन होता ही होता है, लो हो गई आपका BP,
क्योंकि वो बॉडी में से पानी निकल रहा है। तो इसके लिए भी मतलब मना कर देते हैं कि भाई हम डायलिसिस नहीं करेंगे, ये सिर्फ आईसीयू में ही डायलिसिस हो सकते हैं क्योंकि आपका बीपी डाउन जा रहा है, क्योंकि जैसे हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आपको गैस बन जाती है, आपका यूरिन आउटपुट बंद हो जाता है, तो इसके वजह से आपको डायलिसिस की नीड होती है। और अगर आपका आप डायलिसिस अवॉइड करोगे तो आपको डिजीनेस होगा, अनकॉन्शियस हो जाओगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, आप खाओगे नहीं, मतलब उल्टी जैसा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। और जैसे कि आप डायलिसिस करवा रहे हो, डायलिसिस के बाद आपको वीकनेस हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा आपको प्रोटीन इनटेक चाहिए होता है जिससे आपकी मतलब बॉडी मतलब फिट रहे, ठीक है। तो मतलब ये सारी यार बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको श्योरली हेल्प करूँगा इसमें जितनी हो सकेगी। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।